देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। गुरदासपुर के बटाला के अधीन पड़ते गांव हसनपुरा में घर के आगे पॉपुलर के पौधे लगाने के चलते गांव के ही एक व्यक्ति मनिंदर सिंह द्वारा विधवा औरत कुलविंदर कौर, जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है और उसकी माँ और बहन जो उनके घर आई थी, तभी मनिंदर सिंह द्वारा अपने 14-15 गुंडों के साथ उन पर जानलेवा हमला किया गया और फायर भी किए गए। एक गोली उनके कुत्ते को भी लगी। तभी परिवार वालों की तरफ से वीडियो भी बनाया गया जिसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। परिवार का दोष है कि मनिंदर सिंह द्वारा हमारे परिवार को लगातार तंग परेशान किया जाता है और अभी हमारे घर के आगे टोई भी खुदवाए गए हैं, हमारा घर से निकलना मुश्किल किया हुआ है। पुलिस को भी कई बार बार शिकायत करने पर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मौके पर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में एक उसी हिरासत में ले लिया गया है और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अज तो 3-4 साल पहला मेरे हसबैंड की डैथ हो गई सी। उन्होंने भी नशे ते ला के थोड़े थोड़े पैसे दे दिंदा सी, ड्रग दे दे के इन्हें मेरे हसबैंड नशे ते ला के मार दिता। उस तो बाद भी जड़ी मेरे को जमीन आ भी कौन नू फिरदा वा, अगे भी इन्हें 2-3 बार मेरे ते गोली चला चुका वा। मैं पुलिस ने बार बार वॉर्न करती रही कि इहदे कोल हथियार आ, इन्हें मैनू मार देना, पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। 3 दिन पहलों कंप्लेन में मैं लिखाया कि मैनू मारन पै गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अज भी पुलिस ने ना उन बंदे नू बिठाता, दूसरे बंदे 2 नजायज़ फट के गड्डी च बिठा ले, 5-6 जने लै गए। उन्होंने सानू इन्ना मारिया, बैसबॉल हाकियां लै लै के पैली दे विच लटा के वाल पुट्टे, मेरी मम्मी ते भी गोली चलाती, कुत्ते ते भी गोली चलाती, बच्चे महानाटी के अंदर जाके बचे ने। वहीं पीड़ित विधवा औरत कुलविंदर कौर ने बताया कि उसके पति को भी मनिंदर सिंह ने ड्रग्स दे देकर खत्म कर दिया था और अब हमारे पीछे पड़ा है, लगातार तंग परेशान किया जा रहा है और पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मसला ये है जी, मेरी सिस्टर है ते कुछ दिन पहले इन्हें मनिंदर सिंह ने आके इन्हों के नाल मतलब बूटे लाने तो थोड़ा जिहा लफड़ा किया सीगा। वो वट दे उत्ते इन्हां दी ते लाउंदा सी, इन्हां ने कहा 5 फुट हटा के ला ला। इस जिद दे विच आ के उन्हें सरकारी रास्ता जिहड़ा जाने कि पिंडां नूं जांदा उत्तों जां अपने डेरे नूं, इन्हां दे चार मतलब भरा होणगे, इन्हां दे सरो साहब होणे मेरे सिस्टर दे, उन्होंने रास्ता छडाया सीगा सांझे खाते दे विच, इन्हें वो पुट दित्ता जी सड़क तों नाल। उहदी रिपोर्ट लिखाउण गए हैं थाने, जे रिपोर्ट लिखा के आए हैं तो उत्थे उन्होंने दस्सिया उन्हें कोई सुनवाई नहीं की। अज इत्थे आ के इन्हें गोली चलाती है जी। हाँ जी, ਉਹ 10-12 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਈ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। वहीं पीड़ित औरत के भाई ने बताया कि मेरी बहन जो विधवा है, उसके घर के आगे पॉपुलर के पौधे लगाने से जब मनिंदर सिंह को मना किया गया तो वह नहीं माना, तो जब पुलिस को शिकायत दर्ज करवा कर आए तो तभी उसने 14-15 गुंडों के साथ मेरी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया और गोली भी चलाई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक दोषी नवदीप सिंह को पकड़ा गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। एक आदमी नवनीत सिंह गिरफ्तार किया जा चुका है, तो बाकी जोड़े दोषी उन्होंने रेड किए जा रहे हैं, तो जो भी बाकी अफसर जांच कर रहे हैं, जो भी अगली प्रोसैस होगा किया जाएगा। किन्या खिलाफ परचा दर्ज हो? पुछगिछ चल रही है जी, एक ही दोषी गिरफ्तार किया गया। सर कितों का रहने वाला वा दोषी? ये दोषी मुर्गी महल बटाला का रहने वाला। मुर्गी महल बटाला की नाम जी? नवनीत सिंह। नवनीत ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ 14-15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਅਫਸਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 307 IPC ਧਾਰਾ ਦਰਜ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਜ? ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 307 ਆ, ਇਹ 379 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ